स्वागत है। आज हम बताएंगे मंगल फाउंड रिमांटल गेल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, जो कि गूगल से हम लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल से क्या फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और यह होगा मंगल फाउंड रिमांटल गेल सॉफ्टवेयर। और इसके अंतर्गत हम सेटिंग भी बताएंगे, किस प्रकार से सेटिंग आपको करना है कीबोर्ड के अंतर्गत, जो कि आप अपने से काम उससे टाइपिंग सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेल्ट्रॉन और बिहार एसएससी में जो टाइपिंग जो पूछ रहा है, ये मंगल फाउंड रिमांटल गेल पे ही पूछ रहा है। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, गूगल क्रोम। आपके पास जो भी लैपटॉप में क्रोम होगा, या गूगल क्रोम हो या और कुछ भी हो, या माइक्रोसॉफ्ट का भी एक गूगल आता है क्रोम, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मेरे पास गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और इसी से हम लोग मंगल फाउंड रिमांटल गेल सॉफ्टवेयर जो है ना, छोटा सा 12 MB का होता है, इसी को हम लोग को डाउनलोड करके प्लस सेटिंग करना पड़ेगा कीबोर्ड को, और कीबोर्ड को सेटिंग होगा तभी हम लोग टाइपिंग को कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम को ओपन कर दिए, और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंतर्गत जो है टाइप करना पड़ेगा मंगल फाउंड रिमांटल गेल। तो थोड़ा सा ओपन हो, रिमांटल गेल, तो थोड़ा सा ओपन होने दीजिए। हाँ, ओपन हो गया। यहाँ पे क्या टाइप करना है, मंगल फाउंड। ठीक है, मंगल। अब जैसे मंगल फाउंड टाइप करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, हम जूम करके थोड़ा सा दिखा देते हैं क्या टाइप किए हैं। यहाँ पे देखिए, मंगल फाउंड गेल डाउनलोड। ठीक है, ऐसे तो हम लोग यहाँ पे भी करेंगे मंगल फाउंड रिमांटल गेल डाउनलोड, तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मंगल फाउंड रिमांटल गेल पे ही हम इंटर मारते हैं, और जैसे इंटर मारेंगे तो सबसे पहले लिंक किसका खुलेगा, इंडिया टाइपिंग का। ठीक है, किसका, इंडिया टाइपिंग का। ठीक है, इंडिया टाइपिंग का लिंक खुलेगा, और इंडिया टाइपिंग से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मंगल फाउंड रिमांटल गेल कीबोर्ड, इसको भी आप क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो करना है इंडिया टाइपिंग का लिंक पे क्लिक। इससे अब इंडिया टाइपिंग को जैसे लिंक क्लिक किए, तो आपका यहाँ पे सामने स्क्रॉल बटन होता है, स्क्रॉल बटन से आप नीचे आ जाइए। ठीक है, जितना भी ऐड आता है इसको हटा दीजिए, ऐड को हटाना पड़ेगा ताकि ये बीच में डिस्टर्ब करेगा। अब यहाँ पे देखिए, मंगल फाउंड रिमांटल गेल का ये कीबोर्ड है, यही कीबोर्ड हमको सेटिंग करना है, जो कि हिंदी टाइपिंग आपका करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये रिमांटल गेल का ही टाइपिंग है, मंगल फाउंड का। अब इसको अंतर्गत यहाँ पे देखिए, ध्यान से हम सॉफ्टवेयर का नाम भी बताते जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर का किस प्रकार से आप लोग डाउनलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कि इनपुट टू है तो आपका 7 में 64 बिट में काम करेगा। ठीक है, 7 में 64 बिट काम करेगा, और इनपुट 1 जो है आपका फ्री डाउनलोड टाइपिंग सॉफ्टवेयर फॉर विंडो, ये 32 बिट में काम करेगा। तो मेरे पास विंडो 10 है, आपके पास जो भी आपका सिस्टम प्रॉपर्टीज को चेक कर लीजिएगा, सिस्टम प्रॉपर्टीज को जैसे चेक करते हैं तभी आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे विंडो 10 64 बिट है, तो इसको सबसे पहले, इसको डाउनलोड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, प्रॉपर्टीज चेक करके तभी हम लोग डाउनलोड करेंगे। इसको मिनिमाइज कर दिए, अब कहाँ जाना है हमको, कंट्रोल पैनल में। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च कीजिएगा सर्च बॉक्स में कंट्रोल पैनल, जैसे कंट्रोल पैनल सर्च करते हैं तो आपका कंट्रोल पैनल आ जाएगा मेनू लिस्ट में, इसको ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ से आप सिस्टम का प्रॉपर्टीज चेक कर लीजिएगा। तो कंट्रोल पैनल को ओपन होने दीजिए। अब जैसे कंट्रोल पैनल ओपन होता है तो इस प्रकार से आपका सेटिंग नहीं खुलेगा। तो सेटिंग किस प्रकार से खुलेगा तो हम बता देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेटिंग खुलेगा तो इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, मात्र ये इतना सा ही सेटिंग शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या, व्यू बाय कैटेगरी। ठीक है, इसमें आइएगा और लार्ज कैटेगरी कर दीजिएगा, लार्ज आइकॉन जैसे करते हैं, इसके बाद इस प्रकार से आपका सेटिंग दिखेगा। तो हमको यहाँ पे देखना है सिस्टम सेटिंग को ढूंढना है, कौन सा सेटिंग, सिस्टम सेटिंग। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस पे जैसे हम क्लिक किए तो सिस्टम का प्रॉपर्टीज जितना भी है सारा चेक करके बताएगा। अब एक इसका सेटिंग ओपन होगा, अब इसका सेटिंग ओपन हो गया, थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पे खुल जाएगा। एक मिनट, यहाँ से कुछ और खुल रहा है, तो सिस्टम को क्लिक कीजिएगा। ठीक है, सिस्टम को जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका शो करेगा। अब यहाँ पे जैसे सिस्टम को क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए आपका 4 GB RAM बता रहा है, और हमको ढूंढना क्या है, सिस्टम टाइप। सिस्टम टाइप कितना है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हमको डाउनलोड किस पे करना है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हमको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, यहाँ टाइप ऑफ सिस्टम 64 बिट है। ठीक है, तो इसको यहाँ से क्लोज कर लीजिए, और इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, गूगल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो हमको कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर दीजिएगा और थोड़ा सा बैक आइएगा तो यहाँ पे शो करेगा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे देखिए, यह फ्री डाउनलोड हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर 64 बिट, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको डाउनलोड प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आप कंट्रोल जे प्रेस कीजिएगा तो आपको शो करेगा, कंट्रोल जे जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, और ये 11.5 MB का सॉफ्टवेयर होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, 11 MB का होता है।
अब यहाँ पे डाउनलोड हो गया या सॉफ्टवेयर इस फोल्डर पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, फोल्डर जहाँ पे भी आपका डाटा डाउनलोड में गया होगा वहाँ पे डायरेक्ट आपको पहुँचा देगा। अब यहाँ पे देखिए ये 64 बिट आ गया, ठीक है, इसको यहाँ से क्या कीजिएगा कट कर लीजिएगा, यहाँ से मूव करके यहाँ से उठा लीजिएगा और एक फोल्डर न्यू बना लीजिएगा, एक फोल्डर क्या कीजिएगा एक नया बना लीजिएगा और उसके अंतर्गत ये सॉफ्टवेयर को उसी के अंतर्गत आप रख दीजिएगा। अब यहाँ पे एक न्यू फोल्डर हम बना देते हैं, एक न्यू फोल्डर यहाँ से जनरेट किए और इस फोल्डर का कुछ भी जो भी नाम रखना है रख दीजिए और इसके बाद जो है ये फोल्डर को ओपन कीजिए और इसमें राइट क्लिक करके क्या कीजिएगा आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिए, अब ये फोल्डर आ गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर। अब इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे दो ऑप्शन देता है फाइल को बाहर निकालने के लिए, एक्सटेंशन फाइल आपका हेयर और हेयर या फाइल पे क्लिक कीजिएगा, दोनों में से किसी पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फाइल बाहर निकल जाएगा। अब इस पे हेयर पे हम क्लिक किए, यहाँ पे देखिए एक सेटअप आ गया, ठीक है, इसको क्या करेंगे डबल क्लिक करेंगे, माउस से डबल क्लिक कीजिए, इसके बाद सेटअप आपका स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट का ऑप्शन अपना ये नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपको सी ड्राइव में इंस्टॉल करना है कि डी ड्राइव में, अब यहाँ पे लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हाँ यहाँ पे दूसरा लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं, लोकेशन आपको चेंज करने का जरूरत होगा तो लोकेशन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डी ड्राइव ई ड्राइव एफ ड्राइव जो भी ड्राइव आपके अंतर्गत बना हुआ है वो ड्राइव आपका शो करेगा, ठीक है, तो लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि नहीं डी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाए, नहीं 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 ये लोकेशन आपको ये डी और सी और ई मतलब ड्राइव का लोकेशन आप दे सकते हैं ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर उसी ड्राइव में जाकर इंस्टॉल होगा, इसलिए इंस्टॉल लोकेशन देता है कि आपको सी ड्राइव के क्या होता है फॉर्मेट मारना पड़ता है और सी ड्राइव को फॉर्मेट जो मारते हैं ना तो वहां पे ये सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाता है, इस कारण से आप लोकेशन दूसरा लोकेशन पे देते हैं डी या ई या एफ ड्राइव पे तो लोकेशन से क्या होगा कि आप सी ड्राइव को भी फॉर्मेट मारिएगा तो वो डाटा आपका डिलीट नहीं होगा, ठीक है, तो हम डी ड्राइव लोकेशन देते हैं यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन ले लीजिएगा, ई नेक्स्ट कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में, यहाँ से परमिशन दे दीजिएगा जो परमिशन ये इसका पूछेगा, ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है और यहाँ क्लोज का ऑप्शन आएगा इसको क्लोज कर दीजिएगा, अब पता कैसे चलेगा सॉफ्टवेयर चढ़ गया, जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाएगा आई इंग्लिश दिखाएगा, ठीक है, इंग्लिश पट्टी पे आ जाएगा। अब इसके अंतर्गत हमको सेटिंग करना है, अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं माउस तो हमको सबसे पहले क्या ढूंढना है यहाँ पे आपका हिंदी इंडिया, ठीक है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा ये आ जाएगा और इसके बाद कीबोर्ड को सेटिंग करने के लिए इसको राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिया है इस सेटिंग को क्लिक कीजिएगा, ठीक है, देखो होट की जो है ना इसमें सेटिंग करेंगे, होट की से क्या होगा कि बीच बीच में हमको इंग्लिश टाइपिंग करना पड़ता है और कभी हिंदी टाइपिंग करना पड़ता है इसलिए यहाँ पे देखो होट की सेट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे सेटिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए स्पेलिंग टाइपिंग एंड सेटिंग कीबोर्ड सेटिंग में आ जाएगा यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, इसके बाद हमको कहाँ जाना है नीचे से या देखिए स्क्रॉल माउस बटन से स्क्रॉल करके जो है आप नीचे आ जाइएगा और हमको यहाँ जाना है कहाँ पे एडवांस कीबोर्ड सेटिंग, ठीक है, एडवांस कीबोर्ड सेटिंग इस पे क्लिक कर दीजिएगा, इसके बाद हमको जाना है यहाँ पे देखिए दो नंबर पे क्या लिखा हुआ है इनपुट लैंग्वेज होट की, ठीक है, इस पे क्लिक कीजिएगा, हाँ विंडो 10 है तो इस पे क्लिक कीजिएगा, 7 होगा तो 7 में और आसान है सेटिंग करना, ठीक है, अब इसके बाद नीचे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे देखिए माउस का कर्सर पे ध्यान दीजिएगा चेंज द ईयर कीबोर्ड इस पर, अब यहाँ पे क्लिक किया इसके बाद क्या करना है एक बार इस पे क्लिक कर दीजिएगा और दोबारा फिर कंट्रोल शिफ्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, इसके बाद दीजिएगा, इसके बाद यहाँ से फिर ओके कर दीजिएगा, ठीक है, अब आपका सेटिंग हो गया, यहाँ से क्लोज कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट दबा के देखिए आपका इंग्लिश हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट फिर दबिएगा तो आपका हिंदी हो जाएगा सेटिंग, ठीक है, अब हमको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा कहाँ एमएस वर्ड के अंतर्गत कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, एमएस वर्ड के अंतर्गत हम जाएंगे और चेक करके वहां से देखेंगे कि मंगल फंडामेंटल गेल जो है आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस प्रकार से आपका एक पट्टी आ जाएगा, पट्टी से भी आप किसी भी जगह पे आप लेके मूव करके इसको लेके जा सकते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हम ऊपर रखेंगे तो ऊपर रख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से और यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ है तो यहाँ से आप कोई सेटिंग को छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, यहाँ पे सेटिंग हो चुका है, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा एमएस वर्ड को ओपन कीजिए, एमएस वर्ड ओपन कीजिए या एक्सेल ओपन कीजिए या वर्ड पैड में नोट पैड में भी काम करेगा, हर जगह काम करेगा मंगल पॉट, तो हम एमएस वर्ड को ओपन कर दिए, 1 मिनट वेट कीजिए आपका ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद आप टाइप करके जो है आप चेक करके देख सकते हैं आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, ये देखिए आपका स्टार्ट हो गया, इसके बाद आप थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, साइज बड़ा करके फिर टाइप करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, अब यहाँ पे आप प्रेस करके देखिएगा डी से को हो रखना है, डी से को हो रहा है तो ऑटोमेटिक आपका सेट हो चुका है, ठीक है,
आप क्या कीजिएगा, आपको इंग्लिश जैसे आ रहा है ना, यहाँ पे इंग्लिश आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, आप जो सेट किए थे कंट्रोल शिफ्ट जैसे होट की, तो कंट्रोल शिफ्ट आप प्रेस कीजिएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है। डी से आप प्रेस करके देखिएगा डी से को हो रहा है, ठीक है। आप ए से देखिएगा आंसर आएगा, और एस से देखिएगा ए कर आएगा, डी से आएगा को, और एफ से क्या आएगा हर्षिका, और जी से आएगा हो, ठीक है, और सेमी कोलम से आएगा यो। इस प्रकार से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात रहा है कि इसका सेट तो हो गया, लेकिन ये टाइपिंग करेंगे कैसे, तो इससे पहले जो वीडियो हम बताए थे मंगल फॉर डिमांटल गेल का, ठीक है, तो उसमें प्रैक्टिकल कीबोर्ड के साथ हम बताए थे, क्योंकि पार्ट वन वीडियो था, उसमें हम सारा डिटेल बता दिए थे कि टाइपिंग किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो उस वीडियो को देखते हुए और देख के आप टाइपिंग को सीख सकते हैं, ठीक है। और ये तो सिर्फ खाली हम